हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताती हूँ, बाय द वे जो 2-3 दिन से वीडियो मिसिंग चल रहा था, क्लासेस नहीं डल पा रही थी, उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन अब डेली वीडियोस आएंगी। जैसे आप सभी के डिमांड पर मैं ये क्लास लेकर आई हूँ। बाय द वे, आप सभी बोल रहे थे कि मैम एक वीडियो आप एनुअल एवल्यूशन सीजन 2018 के लिए प्लीज़ बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए बना ही दूँ। तो अगर 2018 की बात करते हैं गाइस, तो भाई वहाँ पर 90 नंबर का पेपर आता था और वो क्वेश्चंस आप जरा ध्यान से देखना, बिकॉज वो क्वेश्चंस ऑफकोर्स आपके जो बोर्ड पेपर है उसमें रिपीट होने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ कि ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, डूएस डायरेक्टेड लिखा हुआ है। राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है भाई, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बताना है स्वीट की एंड ब्यूटीफुल की। तो स्वीट की क्या होगी, स्वीटर, स्वीटेस्ट। ब्यूटीफुल की होगी गाइस, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर तुम लोगों को नहीं पता है 8th के बच्चा पार्टी की डिग्री क्या होती है और पढ़ाई वाली डिग्री है या कौन सी वाली डिग्री है, मैडम ने स्वीटर, स्वीटर, स्वीटेस्ट, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्यों बोल रही हैं, तो इस सबका रीजन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अटैच कर रही हूँ, उसमें मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं विद एप्रोप्रिएट मॉडल। यहाँ पर आपको मॉडल्स दिए हुए हैं, इसमें आपको टिक करना है कि कौन सा आएगा। फर्स्ट लिखा हुआ है आई ब्लैंक लिफ्ट द बैग। रीजन किसी और दिन समझाऊंगी, क्योंकि वीडियो मुझे बिल्कुल लॉन्ग नहीं करना है और सच बताऊं तो थोड़ा सा कम समय है मेरे पास, है ना। सो आई कैन लिफ्ट द बैग, आंसर है कैन। आई कैन लिफ्ट द बैग, मैं बैग उठा सकता हूँ। सेकेंड देखिए ब्लैंक आई कम इन, सर मोस्ट पॉपुलर गाइस, और ये तो रटा रटा आया है। आई थिंक तुमको दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, ये 8th स्टूडेंट, जल्दी बताओ कि दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही होगी, है ना। मे आई कम इन, डूएस डायरेक्टेड तो पढ़ लेना, अभी जो डली है वीडियो, अभी हाल ही में डाली है मैंने, इसलिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन अ ब्रैकेट। आपको देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है 8th के बच्चा पार्टी की जो निर्देश आपको दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, चेंज नेगेटिव, मैं कुछ और सोची उसको, है ना, सॉरी, चेंज इंटू नेगेटिव। आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है भाई, नेगेटिव में। सो यहाँ पर आर के बाद आपको यूज करना है नॉट। आप बोलेंगे ऑल फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटिफुल, है ना। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर चेक कर लेना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आसानी से तुमको मिल जाएगी। सेकेंड में आ जाएगा क्या, जो वाज लिखा हुआ है वो पहले लिख देना। वाज द किंग फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, वाज द किंग फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, क्या होता है इंट्रोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। हेल्पिंग वर्ब लगानी है बच्चा, तो इसके लिए तुमको सजेस्ट करूंगी मैं प्लेलिस्ट। भाई प्लेलिस्ट चेक कर लेना तुम एक बारी, तुम्हें बहुत हेल्प मिलने वाली है। देखो इसमें आ जाएगा ही इज माय फ्रेंड, और सेकंड में आ जाएगा दे ब्लैंक कमिंग टुडे। सो दे आर, ही शी इट नेम के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, जैसे कि इज हो गई, और अगर मैं बात करूँ प्लूरल की, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होता है, और दे क्या है, प्लूरल है। चलिए थोड़ा सा इनशॉर्ट में इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज मैं अलग से आपको अलग अलग वीडियोस बना चुकी हूँ। 8th के बच्चा पार्टी ध्यान से सुन लेना। कंबाइन द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कंजप्शन। आपको यूज करना है कंजप्शन का। सो शायद 8th के बच्चा पार्टी जो आप एक्सरसाइज लास्ट में देखते हो लेसन्स के, वहां पर लिखा रहता है कहीं एंड का यूज, और का, बट का, तो एक्सरसाइज में तो मैं ये तुम लोगों को बता ही चुकी हूँ, यहाँ पर और देख लो। यू मस्ट टेक केयर, यू विल फॉल सिक। तुम्हें केयर करनी चाहिए, तुम्हें अपनी देखभाल करनी चाहिए, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, सिक हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, है ना। नहीं तो, नहीं तो मतलब होता है और, तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में आपको इस तरीके से इसे बनाना है कि यू मस्ट टेक केयर और यू विल फॉल सिक, आप सिक हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। सेकंड देखिए जरा, ही इज थिन, ही इज वेरी एनर्जेटिक, वो कैसा है, थिन है लेकिन वह एनर्जेटिक है, तो बताओ एंड आएगा या बट। जल्दी जल्दी
Rearrange the following words to make meaningful sentence. Rearrange करके meaningful sentence बनाकर तुम लोगों को देना है. Should plant tree we more, तो इसका बन जाएगा आपका कि we should plant trees more. एक मिनट रुकना, यहाँ लिख देती हूँ. We should, क्या बन गया है भैया, be should बन गया है. We should plant, हमें क्या करने चाहिए, और अधिक पेड़ लगाने चाहिए. So we should plant more tree. Trees लिखा है तो trees लिख दो, दिख रहा है. तो मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना कि we should plant more trees. You is what name, तो ये तो बहुत सिंपल है. मेरे को लग रहा पांचवी वाले बच्चे भी बना लेंगे, तो आप तो एट्थ में हैं भाई. What is your name guys, है ना. चलिए आगे दिया हुआ है, राइट आंसर एज आस्क, आपको आंसर देना है जैसा पूछा गया वैसा आंसर दीजिएगा. राइट राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको क्या करना है, जो फॉलोइंग वर्ड्स दिए हुए हैं उनके राइमिंग वर्ड्स लिखने. तो शाइन का क्या हो जाएगा, साइन का वाइन, मग का डग, फनी का सनी, फोल्ड्स का होल्ड, ठीक है, होल्ड्स ऐसे लगा देना. राइट प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो क्या होगा इसका, यहाँ पर टोमेटो लिखा है, आपको क्या लिखना है, प्लूरल वर्ड्स लिखने. तो टोमेटोज ही लिखा है ना, टोमेटोज हो जाएगा, ई एस लगेगा, इसमें क्या हो जाएगा, एफ हट के भी ई एस लगेगा. लीव्स, सॉल्विंग दे रही हूं तो थोड़ा सा जल्दी तो करना पड़ेगा. मैन का क्या होगा, ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, वॉवल चेंज करते हैं, तो ए का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा. यहाँ पर टूथ का क्या होगा, टीथ हो जाएगा, टी डबल ई टी एच, टीथ, है ना. यप, राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, एक्टर का क्या हो जाएगा, देखो अपोजिट जेंडर का मतलब क्या होता है, अपोजिट जेंडर का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि कोई लड़का है तो लड़की, कोई जैसे एक्टर है, एक्टर मतलब क्या होता है, जो वो करते हैं क्या बोलते हैं यार, कलाकृति करते हैं ना, उनको बोलते हैं. जैसे पत्नी लिखा है तो उसका पति, है ना. तो अपोजिट जेंडर मतलब आप जेंडर जो लिंग है, लिंग चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, बदलाव. एक्टर का एक्ट्रेस हो जाएगा, काऊ का क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ. हाँ फटाफट सोचो, 3 सेकंड तो देती हूँ मैं सोचने के लिए. काऊ का क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स ऑक्स यार. फादर का क्या होगा बच्चे, मदर. वाइफ का क्या होगा, वाइफ का हो जाएगा क्या, हस्बैंड, ये तो मैंने पहले ही बोला था. ये इस टाइप के सेंटेंस अभी भी आते हैं, पहले भी आते थे. पहले थोड़ा सा जो पेपर का नंबर था जो ज्यादा नंबर का था, अभी थोड़ा सा कम नंबर का आता है, बाकी क्वेश्चंस तो ये आएंगे. राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, सिर्फ दो करने हैं. वन हु मेक्स ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बनाते हैं गाइस उसको ज्वेलर बोलते हैं. वन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, जो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जो पेशेंट होते हैं. पेशेंट मतलब क्या होता है, जो मरीज जाते हैं ना डॉक्टर के पास, उन्हें ट्रीट कौन करता है, अरे भैया डॉक्टर ही करते हैं, तो क्या आएगा, डॉक्टर. वन हु हेट्स टू स्पेंड मनी, जो पैसा खर्च करना मतलब बिल्कुल पसंद नहीं होता है, पैसा खर्च करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है. तो आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, ऑफकोर्स आपने जो लेसन पढ़े थे ना वही है इसका आंसर, फिफ्थ लेसन, क्या नाम था, मिजर. या अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर, तो इसका हो जाएगा क्या, ब्रिज. या कुछ क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन करें जो हमेशा आते हैं, जैसे कि व्हाट इज कान्हा, वेयर इज कान्हा, किस लिए सिचुएटेड, हु वर ट्रैप्ड इन द वेल, व्हाट इज अ डिजास्टर, हु वांटेड तेनाली रमन्स हेल्प, व्हेन एंड वेयर चंद्रशेखर वॉन. तो ये क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं, और इनमें से आपको क्या कितने करने, क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंस, दो लाइन में करने हैं. हाँ सारे ही करने बेटा, तीन तीन नंबर के हैं यार, ठीक है. ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन तो स्क्रीनशॉट ले लो यार. आंसर तुम लोगों को चाहिए तो फिर मुझे एक और कमेंट करना पड़ेगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी तुम्हारे पास, ठीक है. राइट अ स्टेंज ऑफ एनी पोएम फ्रॉम एनी टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश, देखो ये इतना अच्छा क्वेश्चन है जो हमेशा आता है. देखो क्वेश्चन में तो तुम्हें टिक लगाने पड़ते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट लगा दो, या ऐसा कर दो या वैसा कर दो, रहता है कि नहीं. लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भैया ये आना ही है, हर साल आएगा और 5 नंबर तुमको दे के जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू मी ये तो कर ही लेना तुम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा रहता है भैया ये करेंगे डाउट है आ रहा है नहीं आ रहा है, हमारी गैसिंग फंस रही है, आपकी गैसिंग फंस रही है, आपके सर
मैडम की कैसे, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 5 नंबर तुमको देगा ही देगा, तो ये कर लीजिएगा। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेव वाटर यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। आपको क्या करना है, सेव वाटर पर से एक पैराग्राफ लिखना है। कुछ आपको दिया गया है, पैराग्राफ बनाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सिंपल तरीका होता है, बहुत सारे कॉमन वर्ड्स होते हैं पैराग्राफ में जो आप लिख सकते हैं और बना के मतलब पैराग्राफ बना सकते हैं मन से, क्योंकि क्या होता है हमें पता नहीं रहता है कौन सा आ रहा है। अब इसमें तो ऐसा लिखा है कि सेव वाटर, 2-3 और हिंट्स देती हूँ उस पर से आ सकता है, जैसे कि सेफ ट्री लिखा है यहाँ पर, सेव ट्रीज, सेव वाटर, सेव आई थिंक इन्वायरमेंट, ऐसा भी आता है, 2-3 आते हैं और मैं तुमको और सजेस्ट करूंगी अगले वाली वीडियो में, पक्का बताऊंगी। 8 के बच्चा पार्टी, स्टे ट्यून ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन मिलती रहे, डेली वीडियोज डलने लगी हैं आपकी, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी की, फुलपे की या किसी भी चीज की आए, 3-in-1 एप्लीकेशन जाकर देखो, मजा आ जाएगा, है ना। लेटर मत करना, बहुत डिफिकल्ट होता है वैसे, स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, आपको एक टॉपिक पर ऐसे लिखना ही है, लिख लोगे ना, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ये एक पैसेज जरा ध्यान से पढ़ लेना, वैसे तो ये आना ही है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैसेज होता है जो बार बार आता है, और इसके आंसर आप देख सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ इसके आंसर, व्हाट डिड द पुअर मैन लिव, वेयर डिड, सॉरी व्हाट इज नहीं, वह कहाँ रहता था, तो ही लिव्ड, आप ही की जगह द पुअर मैन भी लिख सकते हो कि द पुअर मैन लिव्ड इन अ स्मॉल प्लेस, इसका आंसर फर्स्ट वाले का ये होगा, ओके। सेकेंड वाले का देखिए, हाउ डिड ही कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन, उसने अपनी ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट करी थी गाइस, तो इसका आंसर होगा, चलिए इसमें लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन ढूंढते हैं, हाउ डिड, मैंने डायरेक्ट वीडियो बनाया है पता है क्या, इस पर थोड़ा सा काम नहीं करा है, सॉल्व तो बिल्कुल नहीं किया है, मुझे पहले से पता था बाय द वे, तो ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन विद द फाइनेंशियली हेल्प ऑफ ब्लीज पंचायत, या ये इसका राइट आंसर है सेकेंड का, जस्ट उसके बाद से ही स्टार्ट है, पता है क्या, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, देखो मैंने यहाँ पर ध्यान दिया कंप्लीट पर, ग्रेजुएशन पर, और यही वर्ड्स इसमें रिपीट हुए थे, तो पैसेज सॉल्व करने वाली वीडियो भी बताई थी मैंने तुम लोगों को, इसीलिए व्हाट टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर डिड ही यूज इन फॉर्म बताइए, देखिए आइए, देखिए ही टुक एडवांटेज ऑफ दीज स्कीम्स, और आपको यही बताना है कि व्हाट टेक्निक ऑफ आर्टिकल्चर डिड ही यूज इन अ फार्म, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज्ड मॉडल टेक्निक, उसने कौन सी टेक्निक यूज करी थी, मॉडल इरिगेशन टेक्निक इन हिज फार्म, सॉरी मुझे ये वेराइटीज है, आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा कुछ और लगा इसलिए मैंने बोल दिया, सॉरी स्लिप हो गया था मेरे मुँह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टार्ट इज कैरियर एज अ एज अ फार्मर, उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ डिसएडवांटेज फ्रॉम द पैसेज एंड राइट इट, इसका आंसर है बेटा एडवांटेज, सबको पता होगा, 8th के जितने भी टॉपर्स हैं वो तो देख के समझ रहे होंगे, है ना, ओके। बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मैंने अभी से स्टार्ट कर दिए तुमको सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा जाए, सो ऑल द बेस्ट गाइस, पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन तुमको